Hey guys, welcome to my channel, That's Palavela, और मैं हूं कांक्षा। आज की इस वीडियो में मैं अपना यहां से लेकर और आज जो मेरी स्किन की कंडीशन है वहां तक का सफर आपके साथ शेयर करने वाली हूं। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रॉन है और मेरी स्किन की कंडीशन आप यहां पे देख सकते हैं। ये करीब 1-1.5 साल पुरानी क्लिप्स हैं। ये तब की बात है जब मैं एक अच्छा स्किन केयर रूटीन तो फॉलो करती थी बट मैंने कभी कोई सप्लीमेंट कंज्यूम नहीं किया था। और मेरी करंट स्किन की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये एक रीसेंट की वीडियो क्लिप है, एक वीडियो के लिए जो मैंने शूट की थी। मेरी स्किन के इम्प्रूवमेंट में सप्लीमेंट्स ने मेजर रोल प्ले किया है और जिसमें से सबसे ऊपर नंबर पे मैं रखना चाहूँगी ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट को। मैंने अभी तक बहुत सारे ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट कंज्यूम किए हैं पिछले 10-11 महीने से। अलग अलग ब्रांड्स के ग्लूटाथायोन बिल्डर, ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट मैंने कंज्यूम किए हैं और आपके साथ मोस्टली प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी शेयर किया है। तो इसीलिए कंफ्यूज होना बनता है कि भाई इस लड़की ने इतने सारे रिव्यूज हमारे साथ शेयर किए हैं, सारे के सारे सप्लीमेंट्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई है, अब हम कौन सा लें। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। जितने भी सप्लीमेंट मैंने अभी तक कंज्यूम किए हैं वो सारे के सारे आज मैं आपके लिए बेस्ट टू वर्स्ट वाली कैटेगरी में लिस्ट करने वाली हूँ। हम स्टार्ट करेंगे बेस्ट ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट से और लास्ट करेंगे जो सबसे ज्यादा खराब मुझे लगा उस पे। तो अगर आप बेस्ट लेने की सोच रहे हैं तो वीडियो को आधा देखिए, जब आपका काम हो जाए वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है बेस्ट जितना जरूरी है जानना उतना ही ज्यादा जरूरी वर्स्ट जानना भी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको तो पता नहीं है कि वर्स्ट कौन सा है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, पता चला वो ही ले लिया और उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो इसीलिए वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि जितना जरूरी बेस्ट जानना है उतना ही ज्यादा जरूरी वर्स्ट जानना भी है। तो सबसे पहले वीडियो के कम्प्लीशन के लिए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ग्लूटाथायोन क्या क्या करता है, मैंने पर्सनली ग्लूटाथायोन से क्या क्या फायदे ऑब्जर्व किए हैं। तो गाइज मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रॉन है। मेरे स्किन केयर चैनल पे जाके अगर आप 1 साल पुरानी मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको मेरा जो चेहरा है वो ऐसा नहीं दिखाई देगा। इतने बड़े बड़े पिंपल, दाग, धब्बे और पता नहीं क्या क्या मेरे चेहरे पे हमेशा से रहता आया है। लेकिन थैंक्स टू दीज सप्लीमेंट लेना जब से मैंने स्टार्ट किया है, मेरी स्किन की कंडीशन में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट मैंने ऑब्जर्व किया है, जिसमें मेजर रोल रहा है ग्लूटाथायोन का और मुझे कहना चाहिए ग्लूटाथायोन बिल्डर का। तो गाइस ग्लूटाथायोन आपको क्लियर, रेडिएंट, ग्लोई स्किन देने के साथ साथ एक्ने की फ्रिक्वेंसी को भी कम करता है। ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन सी जरूर लीजिए क्योंकि उसके बाद मैंने उसके एफिकेसी को देखा है ज्यादा बढ़ जाती है। मैक्सिमम इफेक्ट के लिए ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट को रात में लीजिए और विटामिन सी को आप मॉर्निंग में किसी भी टाइम ले सकते हैं। ग्लूटाथायोन जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। अगर आप करंटली कोई ले रहे हैं जो आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है तो आप उस पर भी स्टिक रह सकते हैं, आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम है बदलते रहना क्योंकि अगर मैं नहीं बदलूंगी तो आपके साथ रिव्यू कैसे शेयर करूंगी, कैसे मैं बता पाऊंगी कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है खराब है, इसलिए मैं बदलते रहती हूँ। लेकिन आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे स्किन केयर प्रोडक्ट होते हैं एक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं, या फिर मुझे कहना चाहिए कि आपकी स्किन ना उनसे फायदा लेना बंद कर देती है, उसे भी थोड़ा चेंज चाहिए। उसी तरीके से सप्लीमेंट्स भी एक टाइम के बाद थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है, आपकी बॉडी उससे यूज टू हो जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि जितना पहले ही असर कर रहा था उतना अभी नहीं कर रहा है। तो अभी मैंने बहुत बड़ा इंट्रो दे दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप बिगनर हैं, एकदम पहली बार कोई भी सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं अपनी स्किन को क्लियर, ग्लोई, हेल्दी बनाने के लिए अंदर से नेचुरली, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो है ओजीवा के स्किन विटामिन्स। अब आप कहेंगे ग्लूटाथायोन की वीडियो में स्किन विटामिन्स कहां से आ गए? तो गाइस इस सप्लीमेंट में आपको 3 टाइप के ब्लेंड मिलते हैं, पहला स्किन विटामिन ब्लेंड, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट एंड हाइड्रेशन ब्लेंड और तीसरा ग्लूटाथायोन बिल्डर ब्लेंड। जी हाँ गाइस, इसमें आपको ग्लूटाथायोन बिल्डर ब्लेंड मिल रहा है तो इसीलिए ये भी आपकी बॉडी में नेचुरल ग्लूटाथायोन बनाने में आपकी हेल्प करता है। यही सप्लीमेंट मैंने सबसे पहले लिया था। इसके प्रिस्क्राइब डोज के अकॉर्डिंग आपको 2 कैप्सूल डेली लेने हैं, लेकिन आप 2 कैप्सूल मत लीजिए। 2 कैप्सूल लेंगे तो हो सकता है आपको स्किन रिएक्शन या फिर हेल्थ इश्यू फेस करने पड़ जाए, क्योंकि मैंने किए थे।
मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे तो सब लोग यही बोलते हैं कि भाई दो कैप्सूल लेने हैं, बहुत ये करेगा वो करेगा, लेकिन स्टार्ट कीजिए एक कैप्सूल से। और मैं तो आपसे कहूंगी कि आप इवनिंग में पहले स्टार्ट कीजिए, 2-4 दिन एक कैप्सूल इवनिंग में लेके देखिए, अगर सही से काम कर रहा है तो आप इवनिंग से इस कैप्सूल को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दीजिए खाली पेट। खाली पेट ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आपके लिए एक कैप्सूल सही से काम नहीं कर रहा इनिशियल फेज में, तो आप हर अल्टरनेट डे एक कैप्सूल लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी इस टाइप का इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपको रिएक्शन दे, हेल्थ इश्यू आपको फेस करने पड़े। तो इसीलिए सिर्फ आपको पेशेंट होने की जरूरत होगी इस सप्लीमेंट के साथ, तो लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करता है। इनिशियल फेजेस में किसी भी सप्लीमेंट के साथ ना आपकी बॉडी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से आपको हल्का फुल्का हेल्थ इशू, कॉन्स्टिपेशन या फिर हल्का फुल्का दाने आपकी स्किन पे आ सकते हैं। लेकिन अगर वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट आपके लिए नहीं है, तो आप उसे छोड़ दें। लेकिन हाँ, एक हफ्ता आप वेट कर सकते हैं, तो एक हफ्ता आप इसे लीजिए। एक हफ्ते में ये अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, आपकी बॉडी के साथ एक्चुअली एडजस्ट हो जाएगा काम। इसके जो रिजल्ट है उसे देखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पता है सप्लीमेंट पहले आपकी बॉडी में जाएगा, फिर धीरे 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 करके वो आपकी स्किन तक पहुंचेगा, अपना काम करना शुरू करेगा, अपना असर दिखाना शुरू करेगा। तो लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंटली लेते हैं ना, एक बॉक्स ले लीजिए इसका, एक कैप्सूल डेली लीजिए, 60 दिन चलेंगे, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर आपको 60 कैप्सूल मिलते हैं। 2 महीना लेके देखिए, आपको जरूर असर दिखाई देगा अगर आप बिगनर हैं तो। लेकिन अगर आप स्किन विटामिन नहीं लेना चाहते, आपको भाई सिर्फ और सिर्फ ग्लूटाथायोन ही लेना है, तो आप ओजिवा का ग्लूटाथायोन बिल्डर लीजिए। इसमें और इसमें सेम ही इंग्रेडिएंट है ग्लूटाथायोन बिल्डर वाली जगह पे, लेकिन इसमें उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूटाथायोन बिल्डर है, इसमें स्किन विटामिन ब्लेंड और एंटीऑक्सीडेंट और हाइड्रेशन ब्लेंड आपको नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करता, काम बहुत अच्छे से करता है। लेकिन मैंने एक्चुअली पहले स्किन विटामिन लिया था, क्योंकि यही पहले लॉन्च हुआ था, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि भाई अगर आप बिगनर है तो इससे स्टार्ट कीजिए, उसके बाद इस पे स्विच कीजिए। लेकिन अगर आप ग्लूटाथायोन लेने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले बिल्डर से स्टार्ट कीजिए। जब आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन का एक लेवल मेंटेन हो जाएगा, आपकी बॉडी खुद से अपना नेचुरल ग्लूटाथायोन प्रोड्यूस करने लगेगी, उसके बाद आप सप्लीमेंट पे स्विच कीजिए। सप्लीमेंट एंड बिल्डर में सिर्फ यही मेजर डिफरेंस है कि सप्लीमेंट एक्सटर्नल सोर्स से आपको बना बनाया ग्लूटाथायोन प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो बिल्डर होते हैं वो आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो कि आपकी बॉडी को फोर्स करे, हेल्प करे आपकी बॉडी की अपना नेचुरल ग्लूटाथायोन बनाने के लिए। जी हाँ गाइज, जो आपका ग्लूटाथायोन है वो आपका लीवर ना खुद से प्रोड्यूस कर सकता है, तो इसीलिए ग्लूटाथायोन मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि आपकी बॉडी में खुद से पाया जाता है। जैसे जैसे आप एज करते हैं ना, वैसे वैसे ग्लूटाथायोन का लेवल कम होने लगता है आपकी बॉडी में, इसीलिए एज रहते एक ग्लूटाथायोन बिल्डर, नहीं तो सप्लीमेंट कम डोज वाला आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, इससे मुझे नहीं लगता कोई भी नुकसान हो, क्योंकि ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी में ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। विटामिन सी के साथ लीजिए, बहुत अच्छे आपको स्किन के फायदे भी मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, हर तरह के फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है, बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर वाले सप्लीमेंट की। उसके बाद मुझे जो पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा वो है ये ला ऑर्गेनो वाला ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट। इसके दो रीजन है, पहला ये मैंने दो बॉक्स लिए, अभी एक बॉक्स पूरा लिया, दूसरा बॉक्स अभी अभी खरीदा है, जो अभी मैंने लेना स्टार्ट नहीं किया उसका एक और कहानी है, पर जाने दीजिए ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। तो ये जो सप्लीमेंट है इसमें आपको सप्लीमेंट और बिल्डर दोनों मिल रहे हैं, तो अगर ओजिवा के ग्लूटाथायोन बिल्डर के बाद इस पर आप स्विच करेंगे ना, तो किसी भी टाइप का रिएक्शन होने का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। मुझे पर्सनली रिएक्शन फेस नहीं करनी पड़ी। इसके एक टैबलेट में आपको 600 mg ग्लूटाथायोन मिल रहा है बना बनाया, और उसके साथ साथ इसमें मिल्क थैसल एंड अल्फा लिपोइक एसिड मिल रहा है। ये दोनों इंग्रेडिएंट आपको इन दोनों सप्लीमेंट में भी मिल रहे हैं ओजिवा के, क्योंकि ये दोनों इंग्रेडिएंट आपकी बॉडी को फोर्स करते हैं अपना नेचुरल ग्लूटाथायोन बिल्ड करने के लिए। तो ये जो सप्लीमेंट है वो सप्लीमेंट कम बिल्डर का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे मैं रखना चाहूंगी वाओ ग्लूटाथायोन को, क्योंकि इसका और इसका जो फॉर्मुलेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ अंतर मेजर जो अंतर है वो ये है कि इसमें आपको 500 mg रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन मिल रहा है, जबकि इसमें आपको 600 mg मिल रहा है।
इसमें भी आपको मिल्क थसल एंड अल्फा लिपोइक एसिड मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ और विटामिन सी और कुछ और भी नेचुरल इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, जबकि इसमें आपको सिर्फ ग्लूटाथायोन, मिल्क थसल एंड अल्फा लिपोइक एसिड मिल रहा है। इसमें सिर्फ तीन ही इंग्रेडिएंट आपको मिल रहा है, इसीलिए ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट मैं रखना चाहूंगी द डर्माको के 500 mg ग्लूटाथायोन टैबलेट को। ये क्लेम करता है 10 days अगर आप इन टैबलेट को इनके सीरम के साथ लगाएंगे, यूज करेंगे मतलब रेगुलरली, तो 10 दिन में आपको एक इल्यूमिनस इफेक्ट अपनी स्किन पे ऑब्जर्व होगा। मैंने ये पर्सनली फील किया है, इसीलिए मुझे ये सप्लीमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव लगा। लेकिन ये फोर्थ नंबर पे इसलिए है क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी ग्लूटाथायोन अलग अलग ब्रांड का ले रही थी, जिसकी वजह से मेरी जो स्किन है उस पर एक नेचुरल ग्लो अपने आप से था। इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकती गारंटी के साथ कि 10 दिन में ये आपको उतना ही ग्लो देगा जितना मैंने ऑब्जर्व किया है या नहीं, लेकिन हाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आई गेस कहीं पे मैंने पढ़ा था 10 days का चैलेंज आप इनका ले सकते हैं। इसके साथ आप इनका सीरम यूज कर सकते हैं ग्लूटाथायोन वाला, दोनों ही मैंने यूज किए हैं, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मुझे नहीं पता कि एकदम से डल स्किन से ये इल्यूमिनस इफेक्ट आपको 10 days में दे सकता है या नहीं दे सकता है। बट एनीवे ये जो सप्लीमेंट है ये लेने के लिए पूरी तरीके से सेफ है, आपकी स्किन में ये एक अलग से ग्लो को मेंटेन भी करेगा और इसके साथ साथ प्रोवाइड भी करेगा, तो ये भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको 500 mg ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में मिल रहा है, उसके साथ साथ इसमें विटामिन सी एंड हिलोरोनिक एसिड है। लेकिन इसमें आपको विटामिन सी एंड हिलोरोनिक एसिड बस नाम के लिए मिल रहा है, ज्यादा नहीं है। 20 mg विटामिन सी है इसमें और 5 mg हिलोरोनिक एसिड है, मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे, तो इसीलिए इसके साथ विटामिन सी टैबलेट अलग से लेना बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि ग्लूटाथायोन के साथ कौन से बेस्ट विटामिन सी सप्लीमेंट है मार्केट में अवेलेबल जो आप लेना कंसीडर कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पे वो लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप थोड़ा देख लीजिए, नया नया चैनल है, ज्यादा वीडियोस है नहीं, तो आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं बहुत आराम से ही, ऊपर नीचे आप देखिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ गिव अवे चल रहा है बहुत ही एक्साइटिंग सा, उस पे भी आप पार्टिसिपेट करके हमारे इस YouTube फैमिली को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो। बट एनीवे अब बात कर लेते हैं, ये ही सिर्फ है जो अच्छे सप्लीमेंट मुझे लगे हैं जिन्होंने मेरे लिए काम किया। अब बात कर लेते हैं बेकार सप्लीमेंट्स की। सबसे नंबर वन पे नहीं, मैं कहूंगी लास्ट नंबर पे मैं रखना चाहूंगी ये ग्लूटोन MD को। इसकी मैंने 15 tablets कंज्यूम किया है, इन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया। जब मैं इन्हें ले रही थी तो मुझे एकदम ऐसे फील हुआ जैसे मुझे कोल्ड हो गया, थोड़ी सर्दी जैसे लगता है ना वैसा फील हुआ। और जब इसे लेना बंद कर दिया तो बहुत सारे पिंपल मैंने अपनी स्किन पे ऑब्जर्व किए, जिन्हें खत्म करने में मुझे 15 दिन लगा। मतलब ये सारे के सारे सप्लीमेंट यूज करने पड़े, इसके जो स्किन रिएक्शन इस सप्लीमेंट ने मुझे दिया था उसे खत्म करने के लिए। तो ये थर्ड नंबर वाला, इससे बेकार जो लगा मुझे वो है ये प्लिक्सोलिना का स्किन ग्लो टैबलेट। इसे भी मैंने 20 दिन लिया क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा महंगा था। इतने सारे पैसे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप तो थोड़ी उम्मीद रखते हो कि भाई क्या पता आज काम कर जाए, क्या पता आज काम कर जाए। तो भाई मेरा भी वही था, 1000 रुपए पता नहीं कितने शायद 2 इंच के लिए थे, मैंने 1800 रुपए में आई गेस। काफी महंगा है ये सप्लीमेंट, अब मुझे याद नहीं है जब लॉन्च हुआ था तभी लिया था, बहुत महंगा था, बहुत दिन कंज्यूम किया, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। जब तक इसने बड़े बड़े फोड़े फुंसी मेरे पूरे फेस पे नहीं दे दिए, ट्रस्ट मी, तब तक मैंने इसे लेना बंद नहीं किया। तो इससे दूर रहिएगा, मेरे लिए इसने बिल्कुल काम नहीं किया। इसका एक रीजन हाँ ये भी हो सकता है कि इसे मैंने सबसे पहले ले लिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि अगर आप बिगनर हैं तो कम डोज से स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बिगनर हैं तो बिल्डर से स्टार्ट कीजिए, डायरेक्टली 500 mg ग्लूटाथायोन नहीं ले लीजिए। और इस पे तो लिखा है कि आपको दिन में 2 बार लेना है इसे, तो मैंने भी दिन में 2-2 बार टैबलेट लेनी शुरू कर दी, इसलिए तो इसने मुझे रिएक्शन दी। अब अगर शायद इसे लूं तो हो सकता है कि काम कर जाए, बट कौन रिस्क लेगा। अब इतनी मुश्किल से मेरी स्किन क्लियर हुई है, अब मैं ये रिस्क नहीं लेती। और सबसे ज्यादा जो मुझे खराब लगा वो लगा ये वाइटस फिज का, ये आता है एक ग्लूटाथायोन सप्लीमेंट। इसमें आपको ग्लूटाथायोन, बायोटीन एंड कॉलेजन एक ही सप्लीमेंट में मिल जाता है। ये एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स वाला कॉलेजन एंड ग्लूटाथायोन है, तो इसलिए मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छे से काम करेगा, क्योंकि कॉलेजन जो होती है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही आपको मिलता है। और कॉलेजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि कॉलेजन ना एज के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो लटकने लगती है, बहुत ही थिन हो जाती है। ये तो हम नहीं चाहते कि एज से पहले ही भाई बूढ़े हो जाएं,
इसलिए सप्लीमेंट को लिया था कि तीन चीजों का काम एक ही कर देगा। अच्छा रहा तो आपको जरूर रिकमेंड करूंगी। काफी ज्यादा महंगा है, अमेजोन पे शायद इसकी 20 टैबलेट और 15 टैबलेट 1800 रुपए में मिलती है, तो इससे आप दूर रहिएगा। इसे मैंने अभी रिसेंटली कंज्यूम किया और स्टमक अपसेट हो गया, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुई, बहुत दिक्कत हुई इसे लेने के बाद। तो हेल्थ इशू मुझे मेजरली इससे फेस करने पड़े सिर्फ एक ही यूज में, उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई इसे लेने की, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। और सप्लीमेंट के साथ गाइस कोई खेल नहीं होता है कि भाई आप खेल रहे हैं कि भाई ठीक है दो चार दिन लेके देखते हैं, होएगा तो होएगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स उसके बहुत मेजर हो सकते हैं। तो कभी भी सप्लीमेंट ना अच्छी ब्रांड का लिए, सोच समझ के लिए, अच्छे ट्रस्टेड लोगों पे भरोसा करके, उनके रिव्यूज पे भरोसा करके ही लें। ये मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो स्किन केयर होते हैं उनके साथ ठीक है थोड़ा खराब हो गया तो थोड़े दिन बाद आपकी स्किन ठीक हो जाएगी, लेकिन सप्लीमेंट में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो हो सकता है आपको मेजर हेल्थ इश्यू फेस करने पड़े लॉन्ग टर्म में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है आज की ये जो रिव्यू वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जितने भी चिट चैट आज हमने इनफॉर्मली की है, मैंने आपको बकाया ना हो तो। या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।